अस्सलाम वालेकुम। अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर 5 यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 7th लेक्चर है और एज पर सिलेबस हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा यूटिलिटीज और इसके अंदर हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे बैकअप एंड रेस्टोरिंग डेटा और सिस्टम मेंटेनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर में यूटिलिटी या यूटिलिटीज किस चीज का नाम है। व्हाट इज यूटिलिटी इन कंप्यूटर? यूटिलिटी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है एनालाइज करने में, कॉन्फिगर करने में, मॉनिटर करने में, ऑप्टिमाइज करने में अपने कंप्यूटर सिस्टम को, यानी हम इसे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के नाम से भी जान सकते हैं। तो हम कहेंगे कि यूटिलिटी या सॉफ्टवेयर यूटिलिटी एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओवरऑल मेंटेन करने में, उसकी एनालिसिस में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी या यूटिलिटी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट भी हो सकती है या हम उसे सेपरेटली इंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ये एक ऑप्शनल सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी का साइज यूजुअली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोग्राम। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे काइंड्स हैं यूटिलिटीज के, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप्स हम यहां पे देखेंगे वो है पहला एंटीवायरस यूटिलिटी और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो हमारे एंटीवायरसेस होते हैं वो भी यूटिलिटीज ही होती हैं, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे कंप्यूटर को स्कैन करने में सो दैट मालवेयर अटैक से हम बच पाए, है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। हमारा एंटीवायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी कंप्यूटर की ऑप्टिमाइजेशन में, उसकी ओवरऑल सिक्योरिटी में हमें हेल्प करता है, तो दैट मीन्स वो एक यूटिलिटी है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा क्या है? बैकअप यूटिलिटी। ये एक ऐसी यूटिलिटी है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है अपनी इंफॉर्मेशन को बैकअप करने में, यानी हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारी डिस्क पे होती है उसकी कॉपी करने में, सो दैट एट द टाइम ऑफ लॉस हम उसको फिर वापस इस्तेमाल कर सकें। डेटा कंप्रेशन यूटिलिटीज। डेटा कंप्रेशन यूटिलिटीज वो यूटिलिटीज होती है जो हमें हेल्प करती है हमारी फाइल्स को कंप्रेस या डिकम्प्रेस करने में, सो दैट डिस्क स्पेस की मैनेजमेंट हो पाए। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज वो यूटिलिटीज है जो हमें हेल्प करती है फाइल्स को मैनेज करने में ऑन ड्राइव। ये हमें हेल्प करती है, फाइल्स का इंस्टेंट प्रीव्यू दिखाती है ताकि हम अपनी फाइल को ड्राइव पे आसानी से लोकेट कर पाए। ठीक है, डिस्क चेकर, उसके अंडर डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप एंड स्कैन डिस्क आता है, ये भी यूटिलिटीज है। नेटवर्क यूटिलिटीज। नेटवर्क यूटिलिटीज हमें हेल्प करती है अपने कंप्यूटर नेटवर्क की कनेक्टिविटी को एनालाइज करने में, नेटवर्क सेटिंग्स को कॉन्फिगर करने में, डेटा ट्रांसफर, लॉग इवेंट्स वगैरह को चेक करने में। डिबगर। डिबगर जो है वो हमें हेल्प करती है लोकेट करने में एरर्स विद इन प्रोग्राम सोर्स कोड। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक प्रैक्टिस है, एक स्टडी है मैथमेटिकली मैनिपुलेटिंग डेटा की, सो दैट हम इसकी हेल्प से डेटा को स्टोर और ट्रांसमिट करें सिक्योरली। ठीक है, तो ये थी कुछ टाइप्स यूटिलिटीज के जो कि हमें रोजमर्रा की हमारे जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैकअप एंड रेस्टोरिंग डेटा। वो क्या होता है? बैकअप और रेस्टोरिंग डेटा का मतलब है वो सारी टेक्नोलॉजीज, वो सारी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करना जिसकी वजह से हम पीरियोडिकली अपने डेटा, अपनी एप्लीकेशन जो कि हमारे कंप्यूटर पे होती है उसकी कॉपीज बनाते हैं और उन कॉपीज को हम सेफ जगह पे सेकेंडरी डिवाइसेस में स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर कभी कभार हमारा जो एक्चुअल डेटा, हमारी जो एक्चुअल फाइल्स, हमारी जो एक्चुअल एप्लीकेशन कंप्यूटर पे है वो डैमेज हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, तो हम इस स्टोर डेटा को फिर इस्तेमाल कर पाए इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल डेटा। ठीक है, तो कभी कभार क्या हो जाता है, ड्यू टू पावर आउटेज, साइबर अटैक्स, ह्यूमन एरर्स, डिजास्टर्स या कुछ अनप्लैनड इवेंट्स की वजह से जो हमारी फाइल्स होती है, हमारा डेटा होता है, हमारी एप्लीकेशंस होती है कंप्यूटर पे, वो डैमेज हो जाती है या लॉस ऑफ डेटा हो जाता है, तो उस टाइम पे हम किस तरीके से फिर काम करते हैं? जो हमने बैकअप लिया होता है, जो हमने कॉपिंग की होती है अपने डेटा की, उसको हम इस्तेमाल करके फिर अपना काम करते हैं। इस चीज को हम कहते हैं बैकअप एंड रेस्टोरिंग डेटा, यानी पहले अपने डेटा का बैकअप लेना यानी उसकी कॉपिंग करना, उस कॉपी को किसी जगह सेव रखना सेकेंडरी डिवाइस पे,
ठीक है, या ऑनलाइन सेव रखना, और फिर इन केस ऑफ लॉस ऑफ डेटा उस चीज को वापस हम कंप्यूटर पे, फिर उस डेटा को जो हमने स्टोर किया होता है उसको वापस कंप्यूटर पे डाल देते हैं, जिससे हम कहेंगे रेस्टोर कर देना उस डेटा का, ठीक है। दैट इज बैकअप एंड रेस्टोरिंग डेटा, यानी पहले अपने डेटा को कॉपी करके सेफ जगह पे स्टोर करना, दैट इज बैकअप। उसके बाद अगर हमारा अपना जो ओरिजिनल डेटा है वो डैमेज हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, तो फिर उस स्टोर डेटा को उस कंप्यूटर पे ओरिजिनल डेटा की जगह पे डाल देना, यानी कि रेस्टोर कर देना, ठीक है, उसे हम कहेंगे रेस्टोरिंग डेटा। समझ आई बात, बैकअप एंड रेस्टोरिंग। तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे बैकअप अपने डेटा का और उसकी रिकवरी करना, यानी रेस्टोर करना। बैकअप एंड रिस्टोरिंग या बैकअप एंड रिकवरी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपने डेटा की डुप्लीकेशन करते हैं और उसको सिक्योर प्लेसेस पे स्टोर करके रखते हैं, ताकि इन केस ऑफ लॉस और डैमेज हम इस डेटा को फिर यूज कर पाए अपने ओरिजिनल डेटा की जगह, सो दैट हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो एक ऑल्टरनेटिव सेफ तरीका है अपने डेटा को सेफ और सिक्योर रखने का, ठीक। नाउ किस तरीके से हम अपने डेटा को बैकअप में डाल सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डेटा की कॉपीइंग कर सकते हैं, अपने डेटा, अपनी फाइल्स, अपनी एप्लीकेशंस को किस तरीके से हम कॉपी करके, डुप्लीकेशन करके बैकअप कर सकते हैं। पहला, हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को, जो हमारे पास दो टाइप्स की होती है, HDDs हार्ड डिस्क ड्राइव्स या SSDs सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है। SSDs के थ्रू या HDDs के थ्रू हम अपने डेटा को इस पे कॉपी करके इसमें स्टोर रख सकते हैं, और फिर अगर कभी कभार हमारा अपना डेटा कंप्यूटर से डैमेज हो जाता है तो फिर हम इन HDDs या SSDs से डेटा को वापस रेस्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और काम कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव हम यूज कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम पेन ड्राइव वगैरह कहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल मीडिया का यूज कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन बैकिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में है कि हम ऑनलाइन अपना डेटा बैकअप करके रख देते हैं, वो कर सकते हैं, या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यानी NAS डिवाइस में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं और वक्त आने पर फिर हम वापस उसकी रेस्टोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ बैकअप, किस तरीके के बैकअप्स होते हैं, ठीक है। पहले हमने अभी जो यहां पे देखा वेज तरीके बैकअप करने की, ठीक है, तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ बैकअप है, यानी कि कितनी किस्मों के बैकअप्स हमारे पास हैं जो हम ले सकते हैं, ठीक है। पहला है फुल और नॉर्मल बैकअप, दूसरा है इंक्रीमेंटल बैकअप, तीसरा है डिफरेंशियल बैकअप, चौथा है मिरर बैकअप, पांचवा है कॉपी बैकअप, छठा है डेली बैकअप, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि कौन से बैकअप, फिर चाहे आप वेज कोई भी इस्तेमाल करो लेकिन तरीका कौन सा बैकअप का इस्तेमाल कर रहे हो वो पहले हम देखेंगे, ठीक है। फुल और नॉर्मल बैकअप क्या होता है, ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ बैकअप है जिसमें हम कंप्लीटली सारा डेटा अपना स्टोर करके, अपना कॉपी करके दूसरे जगह पे ले जाते हैं, चाहे फिर वो आप हार्ड ड्राइव पे रखो या SSD में रखो या फ्लैश ड्राइव में रखो या क्लाउड स्टोरेज में रखो, किसी भी जगह रखो, लेकिन फुल डेटा जो भी आपके सिस्टम पे है उस सारे का बैकअप इसमें आ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस बैकअप हर एक फाइल सिलेक्ट हो जाती है, हर एक फाइल बैकअप हो जाती है, जो भी फाइल है वो सिलेक्ट हो जाती है और बैकअप हो जाती है, रिगार्डलेस कि क्या ये चेंज हुई है लास्ट बैकअप से या नहीं हुई है, ठीक है। और ये बैकअप जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें सारी की सारी फाइल्स जो है पहले से सारी की सारी फाइल्स जो है वो कॉपी हो जाती है आपकी स्टोरेज में, फिर चाहे आप किसी भी तरीके का स्टोरेज इस्तेमाल करें जो मैंने अभी आपको बताए वेज ऑफ बैकअप में, तरीके जो भी आपके वे होंगे बैकअप के, चाहे आप HDD रखो, SSD रखो या पेन ड्राइव रखो या जो भी तरीका आप यूज करोगे फिर बैकअप उठाने का वो, लेकिन बैकअप का टाइप कौन सा है, फुल और नॉर्मल बैकअप। यानी फुल और नॉर्मल बैकअप में आप क्या होता है, आप सारी की सारी जो भी आपके पास फाइल्स है, एप्लीकेशन है, डेटा है, उन सब को आप सिलेक्ट करके जो है उसकी कॉपीइंग कर देते हो, रिगार्डलेस कि ये फाइल कब बनी है, इसमें कभी बैकअप उठा है नहीं उठा है, उस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। जो भी आपके पास डेटा होता है उस सारे को आप जो है नॉर्मल या फुल बैकअप के अंडर बैकअप कर लेते हो, ठीक है। फिर बैकअप करके आप किसी भी
ड्राइव में रखो, किसी भी पेन ड्राइव में रखो, एसएसडी में रखो, जहां आपकी मर्जी, क्लाउड में रखो, ऑनलाइन बैकअप पे रखो, लेकिन इसके अंडर सारा का सारा जो भी डेटा होता है वो आपको जो है कॉपी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है, इसमें खाली वो फाइल्स, वो डेटा, वो चीज कॉपी हो जाती है जो कि लास्ट बैकअप से चेंज हुई होगी। यानी कि अगर आपने लास्ट वीक अपना बैकअप लिया होगा, चाहे वो फुल बैकअप था या आपका इंक्रीमेंटल बैकअप था, तो इस एक हफ्ते में जो चेंजेस हुई बस वही चेंजेस कॉपी हो जाएंगी, बाकी जो ओरिजिनल फाइल्स थी, जो बाकी ओवरऑल डेटा था वो कॉपी नहीं होगा, बस जो चेंजेस आपने इसमें लाई है इस हफ्ते, वो चेंजेस वाली फाइल्स ही जो है, वो चेंजेस जो है वो कॉपी हो जाएंगी। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें जो है बैकअप फाइल्स जो है वो मार्क हो जाती है, यानी आर्काइव ट्रिब्यूट इसमें क्लियर होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी आर्काइव ट्रिब्यूट क्या है। ये एक तरीके का मार्क है जो कि हमें दिखाता है कि कब हमने फाइल्स को जो है बैकअप किया था, ठीक है। यानी इंक्रीमेंटल बैकअप जो है ये वैसा बैकअप है जिसमें खाली वो फाइल्स कवर हो जाती है, वो फाइल्स की बैकअप हो जाती है जो लास्ट टाइम आपने जब बैकअप लिया था तब से आज तक चेंज हुई होगी, ठीक है। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें फाइल्स की मार्किंग हो जाती है जो कि हमें दिखाता है कि कौन सी बैकअप हुई, कौन सी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है इंक्रीमेंटल बैकअप के, लेकिन जब हम इसको पहली बार करेंगे तब ये सिमिलर बनता है किसके, डिफरेंशियल बैकअप के। लेकिन अब इसमें फर्क क्या है, जब भी आप डिफरेंशियल बैकअप जो है वो रन करोगे, ये कॉपी करेगा सारा डेटा कब से, जब से लास्ट फुल बैकअप हुआ था। समझ आई बात? डिफरेंशियल डेटा में वहां से आपका डेटा कॉपी होगा, उस डेट से डेटा कॉपी होगा जिस डेट पे आपने फुल या नॉर्मल बैकअप लिया था। इंक्रीमेंटल बैकअप में चाहे लास्ट फुल या चाहे लास्ट इंक्रीमेंटल हुआ था, उसके बाद से जो चेंजेस आई वो चेंजेस की कॉपी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होगा, डिफरेंशियल में वो हो जाएगा कवर, वो डेटा हो जाएगा कवर जो कि लास्ट फुल बैकअप के बाद से चेंजेस आई थी, ठीक है। लास्ट फुल, जब आपने लास्ट टाइम फुल बैकअप लिया था तब से अभी तक जब आप डिफरेंशियल बैकअप ले रहे हो, जितनी भी चेंजेस आई है वो चेंजेस जो है कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ज्यादा डेटा जो है वो कॉपी करेगा एज कंपेयर टू इंक्रीमेंटल डेटा। ऑब्वियसली ये फाइल्स को मार्क नहीं करता है, यानी कि वहां पे आर्काइव ट्रिब्यूट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मिरर बैकअप। मिरर बैकअप जो है वो क्या है, ये सिर्फ आपके लेटेस्ट डेटा वर्जन को जो है उसको बैकअप कर लेता है और इसमें कोई भी हिस्ट्री नहीं रहती है विद डिफरेंट वर्जन्स जो भी आपकी फाइल्स के हैं उनके, उनकी जो बैकअप की जो एक ट्रैक रहता है उसका कोई भी वहां पे जो है हिसाब किताब नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद कॉपी बैकअप। कॉपी बैकअप क्या है, टेम्पररी बैकअप है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन नॉर्मल और इंक्रीमेंटल बैकअप के, यानी नॉर्मल या फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप के दरमियान अगर आपने कोई टेम्पररी बैकअप लिया तो उसे हम नॉर्मल बैकअप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो है कोई भी फाइल मार्किंग नहीं होती है, जो भी फाइल बैकअप हुई उस पर कोई मार्क नहीं आता है, तो आर्काइव ट्रिब्यूट यहाँ पे क्लियर नहीं है। डेली बैकअप वो बैकअप है जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं और ये खाली उन फाइल्स को बैकअप करता है जो आपने उस दिन जो है चेंज की होगी जिस दिन आप बैकअप ले रहे हो, मतलब कि आज सुबह से मैंने शाम तक जो चेंजेस की अपनी फाइल्स में उन्हीं फाइल्स का बैकअप उठेगा, ठीक है, और दूसरे दिन मुझे फिर से बैकअप लेना पड़ेगा और दूसरे दिन फिर उस दिन का बैकअप जो है वो उठेगा, जो चेंजेस उस दिन हुई वो आएंगी। यहाँ पे भी जो है फाइल्स जो बैकअप हुई होगी उनको मार्क नहीं किया जाता है, वो मार्क नहीं होती है एज बैकअप, यानी कि आर्काइव ट्रिब्यूट जो है यहाँ पे भी क्लियर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया आर्काइव ट्रिब्यूट जो है वो एक बैकअप मार्क है जो कि हमें हेल्प करता है ट्रैक करने में कि कब एक फाइल मार्क हुई थी, सॉरी कब एक फाइल बैकअप हुई थी, ठीक है। यानी एक ऐसा मार्क है ये जो हमें ये चीज ट्रैक करने में हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर फाइल जो है वो कब बैकअप हुई थी, उसका बैकअप कब लिया गया था, ठीक है। फाइन, आई बात समझ। मैं एक फिर से एक छोटा सा जल्दी से एक रिकैप्चुलेशन इसका कर देती हूँ।
पहला है हमारा नॉर्मल और फुल बैकअप। इसमें हमारे सारी फाइल, सारा डेटा बैकअप हो जाता है, ठीक है, रिगार्डलेस कि वो कब चेंज हुई है, कब लास्ट बैकअप है, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपके कंप्यूटर पे है वो सारा कॉपी हो जाता है। इंक्रीमेंटल बैकअप पे क्या हो जाता है, इसमें जब आपने लास्ट टाइम बैकअप लिया होगा, चाहे नॉर्मल या इंक्रीमेंटल, उस दिन से लेकर के जिस दिन आप इंक्रीमेंटल बैकअप ले रहे हो, जो चेंजेस हुई होगी बस वही चीज, वही फाइल्स, वही डेटा जो है बैकअप में चला जाएगा। वहां पे जो फाइल्स बैकअप अप हुई होंगी उनको जो है एक मार्क मिलता है, जिसे हम कहेंगे आर्काइव ट्रिब्यूट, वो क्लियर हो जाता है और उससे हमें पता चलता है कि ये फाइल लास्ट टाइम कब जो है बैकअप हुई थी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप, ये इंक्रीमेंटल बैकअप की तरह ही है, लेकिन ये काम करता है जब आपने लास्ट टाइम फुल बैकअप लिया था उस डेट से ये बैकअप लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंक्रीमेंटल डेटा, ज्यादा डेटा जो है वो रेस्टोर हो जाता है, लेकिन ये भी उन्हीं फाइल्स को कॉपी करता है जिनमें लास्ट फुल बैकअप से चेंजेस आई होगी, ठीक है। खाली उन फाइल्स को ये करता है जो भी आपने चेंजेस की होगी लास्ट फुल बैकअप से। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, लास्ट फुल या लास्ट इंक्रीमेंटल जो हुआ वहां से जो है जो चेंजेस हुई है उनको वो करता है कॉपी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिस दिन आपने लास्ट फुल किया होगा बैकअप, उस फुल बैकअप डे से जो है वो कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है डेटा का बैकअप थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंक्रीमेंटल डेटा। मिरर बैकअप में मैंने आपको दिखाया खाली लेटेस्ट वर्जन जो होते हैं डेटा का, उसकी बैकअप रिपोजिटरी यहाँ पे बन जाती है, लेकिन कोई भी डिफरेंट वर्जन का रिकॉर्ड ट्रैक नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉपी बैकअप आपको बताया, ये टेम्परेरी बैकअप है जो कि बिटवीन नॉर्मल और इंक्रीमेंटल बैकअप के लिया जाता है। डेली बैकअप, बैकअप जो हम डेली बेसिस पे बैकअप ले वो लिया जाता है, ठीक है, आई बात समझ। नाउ सिस्टम मेंटेनेंस, सिस्टम मेंटेनेंस क्या होता है, सिस्टम मेंटेनेंस एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि रेफर करती है उन सारी प्रोसेसेस को जो कि प्रोएक्टिवली मॉनिटर करती है, मैनेज करती है और अपडेट करती है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और सारी की सारी एप्लीकेशंस को एक डिवाइस में या सिस्टम्स को नेटवर्क में, सो दैट वहां पे हम ये एंश्योर करें कि वो सिस्टम या वो डिवाइस अच्छे तरीके से फंक्शन करे और कोई भी थ्रेट वगैरह जो है वो पोज ना हो। यानी सिस्टम मेंटेनेंस उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारे मेथड्स को, उन सारे प्रोसेसेस का नाम है, इन सब चीजों को अपने अंडर कवर करता है जो कि हमें हेल्प करती है अपने सिस्टम को, चाहे वो डिवाइस हो या नेटवर्क में सिस्टम्स हो, उनको प्रॉपरली फंक्शन करवाने में, ठीक है, सो दैट कोई थ्रेट, कोई सिक्योरिटी इशू वहां पे पैदा ना हो जाए। मैं फिर से बोलती हूँ, सिस्टम मेंटेनेंस उन सारी एक्टिविटीज का, उन सारी प्रोसेसेस का, उन सारी प्रोसीजर्स का कलेक्टिव नाम है जिनकी वजह से हम अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक डिवाइस में या एक नेटवर्क में, हमारे जितने सारे कंप्यूटर्स हैं उनको ऑप्टिमली काम करवाएं, सो दैट कोई भी थ्रेट, कोई भी हमें जो है सिक्योरिटी इशू वहां पे ना फेस करना पड़े, ठीक है। दैट इज सिस्टम मेंटेनेंस। यानी सिंपली हम कहेंगे अपने सिस्टम को मेंटेन करके रखना, किस तरीके से मेंटेन करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी हमें उसमें वेज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करनी है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो मेंटेन होके रहे, उसे हम कहेंगे सिस्टम मेंटेनेंस, ठीक है। तो सिस्टम मेंटेनेंस काफी वाइटल चीज है, बिकॉज चाहे सिक्योरिटी थ्रेट हो या परफॉर्मेंस थ्रेट हो, वो कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, तो उनके साथ कॉन्स्टेंटली निपटना पड़ता है। तो इस वजह से कि हम कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी थ्रेट्स को यहाँ से काउंटरैक्ट करें, यहाँ से उनको जो है वापस मुंह तोड़ जवाब दे, हमें सिस्टम की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, हमें सिस्टम को अंडर मेंटेनेंस रखना पड़ता है। यानी कि हमें सिस्टम की बराबर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना है, हमें सिस्टम की अपग्रेडेशन करते रहनी है, समझ आई बात। यानी सिस्टम मेंटेनेंस वो तरीका है जिसके अंडर हम टेक्नोलॉजीज, वेज, मींस इस्तेमाल करते हैं अपने डिवाइस को, अपने हार्डवेयर को और हमारे सिस्टम्स को क्या करने में,
उनको ये एंश्योर करवाने में कि वो अच्छे तरीके से काम करें और उन पे कोई भी थ्रेट या सिक्योरिटी इशू जो है वो हावी ना हो जाए, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस। अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टाइप्स है? हमारे पास जनरली चार टाइप्स हम कहते हैं सिस्टम मेंटेनेंस के हैं। पहला करेक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तीसरा रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस और चौथा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। तो हाँ चलिए देख के करके देखते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस है अपने सिस्टम की। देखिए सिस्टम यहाँ पे आपका नेटवर्क भी आ सकता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आएंगे। सिस्टम यहाँ पे आपका एक अपना लैपटॉप, अपना जो है कंप्यूटर या अपना कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आपका प्रिंटर, आपका नेटवर्क कनेक्टिंग सिस्टम वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम हम यहाँ पे ब्रॉडली यूज करते हैं। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए भी हम कहेंगे सिस्टम, हमारा नेटवर्क सिस्टम आता है। इसी तरीके से हमारा अपना कंप्यूटर सिस्टम आता है वो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को, चाहे नेटवर्क सिस्टम हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, इन दोनों की मेंटेनेंस के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, तो वो हमने कैटेगराइज किए हैं चार तरीकों में, ठीक है। तो पहला मैंने बोला करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस तब की जाती है जब डिटेक्शन होती है किसी एनोमली की, यानी किसी स्नैक की, किसी खराबी की, जब डिटेक्शन हो जाती है कि हाँ जी ये चीज खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं काम, उस खराब चीज को जो है उसको रेस्टोर कर देते हैं ताकि हमारे जो ऑपरेशन हो वो नॉर्मलाइज हो जाए। उस चीज को कहते हैं हम करेक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि किसी एनोमली को करेक्ट करना। किसी एनोमली यानी कोई भी खराबी जो हो, जब वो डिटेक्ट हो जाती है उसको जो है ठीक करना, रेस्टोर कर देना वापस नॉर्मल ऑपरेटिंग पोजिशन में, उस मेंटेनेंस को हम कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। यानी करेक्टिव मेंटेनेंस क्या हुई, वैसी मेंटेनेंस जो हम तब करते हैं जब हम डिटेक्ट करते हैं कोई एनोमली और फिर उस एनोमली को ठीक करके अपने सिस्टम को जो है रेस्टोर कर देते हैं। यानी कि यहां पे क्या होती है मेन एम, सिस्टम को रेस्टोर कर देना, ठीक है। दूसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस है जो हम तब करते हैं जब हमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही होती है। ये कंटिन्यूअसली हम करते रहते हैं इस एम के साथ ही, कोई खराबी ना हो, ठीक है। करेक्टिव में हमने देखा कि खराबी हुई तब जाके हमने मेंटेनेंस का स्टेप उठाया। प्रिवेंटिव में हम प्रिवेंशंस लेते हैं, यानी हम पीरियोडिकली हम इंटरवल्स पे क्या करते हैं काम, मेंटेनेंस को कैरी आउट कर रहे होते हैं ताकि कोई रिस्क ऑफ फेलियर, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। उस चीज को, रिस्क ऑफ फेलियर को या परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन को हम मिनिमाइज करें, समझ आई बात। यानी कि प्रिवेंटिव में हम पहले वेट नहीं करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो खराब हो जाए या कोई फेलियर हो जाए, नहीं, ये हम अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया कंटिन्यूअसली नजर रख रहे होते हैं प्रीडिटरमाइंड इंटरवल्स पे कि कोई भी हमारा जो है सिस्टम में कोई भी जो पार्ट है, कोई इक्विपमेंट है, कोई हार्डवेयर है, वो खराब ना हो पाए, ठीक है, वो अपनी जो है परफॉर्मेंस डिग्रेड ना कर पाए। तो हम कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन करते रहते हैं सो दैट ओवरऑल मेंटेनेंस बरकरार रहे। हम यहाँ पे वेट नहीं करते हैं कि कोई चीज़ खराब हो जाए, नहीं, हम कंटिन्यूसली जो है चेकअप्स करते रहते हैं, चेकअप्स करते रहते हैं ताकि हमारा कोई फेलियर ना हो, ठीक है। रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस। रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस जो है वो एक ऐसी मेंटेनेंस है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट एक्टिविटीज करते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है वो जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में रहे। यहाँ पे हमारी एम होती है कि हम रिस्क की असेसमेंट करें, जो हमारे एसेट है उसकी कंडीशन जो है उसकी असेसमेंट करें ताकि प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहे हमारी ओवरऑल सिस्टम की, समझ आई बात। उसके बाद कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जो है वो तब की जाती है जब हमारे पास सर्टेन इंडिकेटर्स ये सिग्नल देते हैं कि इक्विपमेंट जो है वो खराब होने वाला है या हो रहा है, वो इक्विपमेंट जो है सिस्टम में, कोई जो गैजेट है सिस्टम में वो खराब होने जा रहा है, वो डिटोराइटरेटिंग हो रहा है, उसकी कंडीशन खराब हो रही है, ठीक है, तब जाके हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, समझ आई बात। मैं
से इसको एक सम अप करती हूँ। करेक्टिव मेंटेनेंस में पहले डिटेक्शन होती है किस चीज़ की, किसी एनोमली की, किसी स्नैक की, किसी खराबी की, और उस डिटेक्शन के बाद उस खराबी को दूर करके रेस्टोर किया जाता है सिस्टम को। प्रिवेंटिव में क्या करते हैं हम, रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी सिस्टम की जो है नज़र गुजर रख रहे होते हैं ताकि कोई खराबी ना हो, कोई फेलियर का रिस्क ना हो और परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन का रिस्क ना हो, और अगर ऐसी कोई रिस्क हो भी तो उसको जो है रिड्यूस किया जाए। यानी कि यहाँ पे वेट नहीं करते हैं कोई चीज़ खराब हो जाए, यहाँ पे हम कंटिन्यूसली नज़र रख रहे होते हैं कि कोई खराबी ना आए। ठीक है, रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट में क्या हम करते हैं, हमारे जो एसेट होते हैं, हमारी जो ओवरऑल सिस्टम होता है उसकी हम एनालिसिस करते रहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ताकि अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस होती रहे और हमारी जो है ओवरऑल सिस्टम जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग में रहे। ठीक है, अगर कहीं पे इस मेंटेनेंस में, इस असेसमेंट में एबनॉर्मल वैल्यूज हमें दिखाई देते हैं तो हम उस चीज को जो है रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में मैंने कहा आपको कि हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उस सिस्टम में जो हमें सिग्नल देते हैं कि हमारा कोई इक्विपमेंट जो है वो खराब हो रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहा है, उसकी डिट्यूरेटिंग कंडीशन आ रही है, तो उस टाइम पे क्या हम करते हैं वो मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी होती है फेलियर के वो इंक्रीज हो जाते हैं। अभी फेलियर हुआ नहीं होता है लेकिन हमारे पास इंडिकेशंस आती है कि ये गैजेट, ये इक्विपमेंट जो है वो अब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी जो है परफॉर्मेंस लो होती जा रही है और फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जो है वो करवाते हैं अपनी सिस्टम की। समझ आई बात? तो सिस्टम मेंटेनेंस क्या हुआ कि जो भी हमारा चाहे नेटवर्क सिस्टम हो या कंप्यूटर सिस्टम हो उसकी ओवरऑल मेंटेनिंग करना, उसकी ओवरऑल देखभाल करना। और हमारे पास सिस्टम मेंटेनेंस के कितने तरीके हैं ब्रॉडली, ब्रॉडली हमारे पास 4 तरीके हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे जो है मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करके बोल सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि कंटेंट हमारे सारे कुलीग्स तक पहुँचे, एग्जाम्स आने वाले हैं उनको भी थोड़ा फ़ायदा पहुँचे। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।